एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बड़ी खबर निकल कर आई है यूपी पंचायत चुनाव से। तो आज की कौन सी बड़ी अपडेट है, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए निर्धारित की खर्च की सीमा और नामांकन शुल्क व जमानत राशि कितनी निर्धारित की है। बिना समय गवाए वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले कमेंट्स में आप बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपको रोजाना अपडेट करते रहें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तिथियां भले ही घोषित नहीं हुई हों, पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आयोग ने निर्वाचन कार्यालय की ई बुक जारी कर दिया है, जिसमें चुनाव लड़ने वालों के लिए दिशा निर्देश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए 75,000 तो जिला पंचायत सदस्य के लिए 1.5 लाख खर्च कर सकेंगे। पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार को बढ़ते खर्च को देखते हुए आयोग ने प्रत्याशियों को राहत दी है। पंचायत चुनाव में जमानत राशि से लेकर खर्चों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। निर्वाचन आयोग की ओर से निर्वाचन विभाग की जारी ई बुक में कुछ ऐसी ही जानकारियां भेजी गई हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्राम पंचायत सदस्य 10,000, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य 25,000, जिला पंचायत सदस्य 1.5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। कुछ इस तरह से निर्धारित हुई है खर्च की सीमा। आपको बता दें, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 10,000 और ग्राम प्रधान के लिए 75,000, क्षेत्र पंचायत के लिए 75,000, जिला पंचायत सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। वहीं नामांकन पत्र जमानत राशि के बारे में आपको बता दें, प्रधान उम्मीदवार के लिए 300 रुपए नामांकन शुल्क है, वहीं 2,000 जमानत शुल्क है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 150 रुपए नामांकन शुल्क है, 500 रुपए जमानत राशि है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए 800 रुपए नामांकन शुल्क है, 5,000 रुपए जमानत राशि है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 300 रुपए नामांकन शुल्क है, वहीं 2,000 रुपए जमानत राशि है। जिला पंचायत सदस्य के लिए 500 रुपए नामांकन शुल्क है, 4,000 रुपए जमानत राशि है। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में क्षेत्र जिला पंचायत नामांकन चक्रानुक्रम आरक्षण पूरा होने पर नए सिरे से आरक्षण तय किया जा सकता है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने रविवार को हुई खास बातचीत में ऐसे संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव 15 मार्च से 7 अप्रैल के बीच हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 हुए पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायतों का चक्रानुक्रम आरक्षण शून्य करके नए सिरे से आरक्षण तय किया गया है, मगर पिछले 5 चुनाव में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत को चक्रानुक्रम आरक्षण को ही चल रहा है, जिससे जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों को सीटों का आरक्षण नए सिरे से तय किया जा सकता है। यूपी की योगी सरकार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। आगामी पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने की तैयारी है। यूपी सरकार ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता तय कर सकती है। इसके अलावा 2 से ज्यादा बच्चों वाले दावेदारों को भी पंचायत चुनाव में झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो यूपी की सरकार 2 से अधिक बच्चे वाले महिला पुरुष उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। यूपी में ग्राम प्रधान समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। वहीं कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में 31 मार्च से पहले चुनाव कराने की तैयारी है। इस दौरान प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनावों को लेकर यूपी सरकार उम्मीदवारों को लेकर बड़े बदलाव कर सकती है। प्रदेश सरकार पंचायती राज अधिनियम में एक संशोधन भी ला सकती है। इसके तहत 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक सरकार पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय कर सकती है। ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता तय हो सकती है। दोस्तों, वीडियो से संबंधित अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।